रामपुर पुलिस के बीच मुठभेड़, एक बदमाश की लगी गोली। रामपुर में बीती रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ लगातार 2 से 3 घंटे हुई। फायरिंग में एक बदमाश को पैर में लगी गोली। पुलिस अधीक्षक को जैसे ही सूचना मिली वह भी फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और भागे हुए बदमाशों की कैंपिंग की। आपको बता दें, जब से पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा ने रामपुर का चार्ज लिया है तब से बदमाशों ने ज्यादातर सरेंडर कर दिया या कुछ बदमाश शहर छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने ये ठाना है कि रामपुर को अपराध मुक्त बनाना है, जिसके लिए जो भी क्रिमिनल या अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर पुलिस अधीक्षक की पैनी नजर है। सर, ये थाना कैमरी क्षेत्र में सर क्या घटना हुई? सर, आज रात्रि में वांछित NVW का अभियान चल रहा था, उसी के तहत थाना प्रभारी कैमरी अपने हमराहों के साथ वांछितों की तलाश में निकले थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के माध्यम से, कुछ एक बदमाश पीलाखरा नदी डैम के पास में शराब इत्यादि पी रहे हैं। तत्काल फोर्स जब यहाँ पहुंची तो उनको पूछताछ के लिए जैसे ही पूछा तो तत्काल उन्होंने फायर किया, बदले में पुलिस ने भी फायर किया। इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, एक दो बदमाश भागने में सफल रहे हैं। पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग दी जा रही है, शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। जो बदमाश है उसके ऊपर बरेली से इनाम बताया जा रहा है और काफ़ी मामलों में वांछित था और वो एक हार्डकोर क्रिमिनल यहाँ पर है। पुलिस के द्वारा जो शेष विधिक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई की।